आज सोफा क्लीन करने वाले, सोफे को कैसे क्लीन करते हैं, कौन सा लिक्विड लगता है और क्या क्या चाहिए उसके लिए आज देखेंगे। तो उसके लिए तो पहले मशीन चाहिए सोफा शैम्पूइंग का। ये सोफा शैम्पूइंग का मशीन है, इसको देखेंगे कैसे यूज़ करने का। इसको ओपन करने का, उसको दोनों साइड भी क्लिप है नीचे से ऊपर करने का, बस वो साइड का भी दूसरे साइड का, बस ये ऊपर वाला हिस्सा नीचे रख देने का। बाद में इसमें पानी डालने का, आपके ऊपर कितना पानी डालने का, कितना सोफा है उसके ऊपर। वो अब ये फुल भरता है तो 6 सोफा होता है इसमें, 2 सीटर। बस बस डाल देने, तो और थोड़ा पानी डाल दें। बस ये लिक्विड लेके, अभी वो लिक्विड, ये सोफा शैम्पूइंग का लिक्विड है सोफे के लिए। कारपेट स्प्रे लिखा है, कारपेट पे भी यही यूज़ करते हैं हम लोग और सोफे पे भी यही यूज़ करते हैं। तो उसको, उसके 4 ढक्कन इसमें डालने के, हो गए। उसके बाद इसको मिक्स करने गए, हो गया। अभी मशीन को घुमा दीजिए, ये साइड, ये वाला जो साइड है इधर आएगा स्प्रे के साथ, इधर भी एक स्प्रे है ना। ये वापस लॉक कर देने का है जो निकाला था उसको, ये ऊपर करने का, नीचे दबा दे उस साइड आ जाए, उसको भी सेम ऐसे लॉक करने। बस ओके, बस मिक्स हो गया। अभी वो उसका पाइप ले ले, पाइप और स्प्रे ले ले। ये सोफा शैम्पूइंग मशीन का स्प्रे है, ओके। ये नोज़ल इधर, इधर से शैम्पूइंग आता है, इधर से खींचता है, ये इधर से खींचेगा, इसको प्रेस करेगा तो पानी आता है, और छोड़ देने के बाद इसको खींचने का। तो ये पाइप है उसका, उसको फिक्स करेंगे। ये जो गंदा पानी इसमें आता है, ये जो पाइप लगा रहा है, गंदा पानी ऊपर के टैंक में गंदा पानी आएगा, नीचे में जो नीचे ब्लू कलर वाला है उसमें अच्छा शैम्पू रहेगा, ये गंदा पानी इधर आएगा, इधर से अच्छा पानी बाहर जाएगा सोफे के ऊपर। बाहर खींचिए, अंदर दबा दे, ओके। अभी ये हो गए। तो इसके लिए क्या क्या लगेगा, शैम्पू लगेगा, बकेट लगेगा और 2 स्पंज लगेगा। तो इसको ऑन करेंगे मशीन को, तो अभी सोफा शैम्पू करने वाले हैं हम लोग। तो इधर से स्टार्ट करेंगे सोफे से, ओके, इधर से स्टार्ट कर। तो इसको ऑन करने है मशीन को, ये मशीन इधर से ऑन करने का बटन, इसको प्रेमा जो सोफा है वो अच्छी तरह से पूरा गीला हो गया है। इधर थोड़ा, इधर मारा नहीं, इधर थोड़ा मार दे, बाद में इसको स्क्रब करने का है। डिपेंड करता है, कपड़ा है तो ये वाला ब्रश यूज करने का, ब्रश से स्क्रब कर दिया, ये ब्रश है।
तो उसको ब्रश से स्क्रब करने का, एक लाइन से दबा के घसने का। इसको घस दिया, बाद में इसको खींचने का, पूरा ऐसा स्क्रब करके बाद में खींचने का, दिखाएंगे अभी। गंदा पानी जा रहा है, पूरा कचरा पानी। थोड़ा दिखा, रुक एक जगह पर, रुको आगे चल, आगे की कितना गंदा पानी है। इधर नीचे किसके दिखाई, ओके सोफा क्लीन हो गए अभी, लेकिन गीला है थोड़ा पानी है, टाइम लगेगा सूखने को, गीला है थोड़ा। ये क्लीन हो गया, इसके ऊपर कुछ स्टेन दिखेगा नहीं, कुछ नहीं, क्लीन हो गया, थोड़ा गीला है लेकिन, इसको सूखने के लिए एक दिन लगेगा। ये सोफे में और इसमें क्या डिफरेंट देखेंगे, देखो इसके ऊपर स्टेन लगे हुए हैं, चाय के स्टेन होते हैं, कॉफ़ी के स्टेन है, सोफा गंदा है, छोटे बच्चे इसके ऊपर बैठते हैं तो ख़राब कर देते हैं। तो ये सोफा क्लीन हो गया, अभी देखो इसके ऊपर कुछ स्टेन नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल भी नया लग रहा है, तो ये क्लीन हो गया। ओके अभी दूसरा भी सोफा क्लीन कर दिया, पहले ये सोफे पे स्टेन था इधर, तो कि बिल्कुल भी स्टेन नहीं, कुछ नहीं है, क्लीन हो गए दोनों भी सोफा। इधर एक सोफा है, वो लेदर वाला सोफा है, इसको शैम्पूइंग नहीं करती, ये सोफा पहले किया था, ये लेदर का, इसको शैम्पूइंग नहीं चाहिए, इसको डस्टर से क्लीन होते हैं। तो दोनों भी सोफे क्लीन हो गए, कुछ स्टेन नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो आपको मालूम हो गया कि सोफे को कैसे क्लीन करने का। आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।